हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों को अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने कल बोला था ना आप लोगों की बाबू को नजर पड़वाने ले जाना है, तो मैं अभी जा रही हूँ, आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाबू उसके अब्बू के पास है, वो लोग मतलब थोड़ा सा फोटो क्लिक कर रहे हैं, और चलती हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे ऑटो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो, और हम ऑटो पे चढ़ रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, इतना दूर नहीं पर आधा घंटा का रास्ता है, तो ऑटो लेके तो जाना पड़ेगा। और बाबू मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं, बाबू शांत सा हो गया है और इधर उधर देख रहा है। गाड़ी में तो हर बच्चा है, मतलब कार हो या ऑटो हो, कुछ भी हो, उन लोगों को अच्छा लगता है, हवा आता है, मज़ा आता है, बाहर जाना उन लोगों को भी समझ में आता है। तो उधर मेरी अम्मी जी है और मेरी दीदी की छोटा बाबू है, और सामने ड्राइवर अंकल के पास मेरे हबी बैठे हुए है। तो हम लोग जा रहे हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये ज़मीन जिसपे मतलब चावल का बीज बोया गया है, ऊपर नीला आसमान और साइड में हरा हरा पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये मतलब सीज़न ही है, अभी बारिश हो रहा है, मिट्टी गीला हो रहा है, तो अभी सीज़न है चावल बोने का, तो चावल बोया है, बहुत सुंदर लग रहा है खेत। अभी तो मतलब छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, जब बड़ा होता है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, आप लोग को मतलब खेती बाड़ी देखना, और ये ग्रीन मतलब ग्रीनरी अच्छा लगता है, बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी ना, ये बारिश के पानी की वजह से मतलब ये नदी पूरा भर चुका है, और रास्ते के मुंह तक मतलब ऐसा आ चुका दिख रहा था। और ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, और सामने से एक मतलब वो स्कूटी लेके आ रहे थे बुजुर्ग, तो हम लोग रुक गए, हम लोग ने सोचा कि हम वो पास कर ले फिर हम जाएंगे, तो वो वेट कर रहे थे हमारा, हम वेट कर रहे थे उनका, तो उन्होंने मतलब स्कूटी से उतर गए और वो जा रहे हैं, तो हम लोग उनके बाद हम लोग पास हुए। और ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए वही ये मतलब ये तभी हो रहा था, तो हम लोग जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए कितना उबड़ खबड़ है, गड्ढा हो गया है बारिश के पानी के वजह से। और मुझे मतलब बहुत मन था कि मैं ऑटो से उतर जाऊँ और नदी के पास थोड़ी देर बैठूँ, इसको महसूस करूँ, ऐसा कुछ करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मन था, पर नहीं कर सकते ना, अभी तो जाना है, और अभी रुक गई तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और दोस्तों, गाड़ी चलते चलते आधा घंटा हो चुका है फाइनली, और हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं वो घर पे जाके मिलते हैं या नहीं, क्योंकि ईद के बाद हर कोई तो अपने घर घूमने जाता है, वो भी शायद गए होंगे तो हम लोग को नहीं मिलेंगे, और नहीं गए हो तो हम लोग को मिलेंगे, किस्मत अच्छा होगा तो देखते हैं, और नहीं मिले तो दूसरे दिन जाएंगे। और आइए, आप लोग देख सकते हैं बाबू को नींद आ गया, पर बाबू सोएगा नहीं, क्योंकि बाहर जाके बाबू मतलब नहीं सोता है, पता नहीं क्यों, दूसरे बच्चे सो जाते हैं पर बाबू को मतलब बेड पे लेट के ही सोना है, इसका ऐसा ही आदत है बाबू को। मैं आप लोग को दिखा रही थी पूरा मतलब लेट गया पर नींद आ गया, नहीं सोना है बाबू को। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी बाहर बारिश की वजह से उधर कीचड़ और क्या क्या मतलब बहुत ज़्यादा पानी जम गया था। तो हम लोग आ गए और मैं बाबू को लेकर उतर रही हूँ और जा रही हूँ, और पीछे से बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी आ रही थी, और बार बार मतलब और पीछे से हबी आ रहे थे, और बाबू इधर उधर देख रहा था, पता नहीं हम लोग कहाँ पे आ गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ना बाबू कैसे बात कर रहा था, और हम लोग पहुंच गए, आप लोगों को मैं दिखा रही थी उसी घर में हम लोग को जाना है। अम्मी जी बोल रही थी कि ना उधर से जाना है, उस साइड से जाना है, तो मैं बोल रही थी कि आप पता नहीं आप जिस साइड से बोलोगे उस साइड से जाएंगे, तो हम लोग उस साइड से जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इसी घर में जाना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मिलेंगे या नहीं। तो मैंने अम्मी जी को बोला आप जाइए पहले और जाके पूछिए, तो मिलते हैं तो पढ़वाएंगे नज़र, और नहीं मिलते दूसरे दिन आएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो अम्मी जी पूछ रही थी, और अम्मी जी मतलब वही उनसे बात कर रही थी, और वो और मैं बाबू के साथ बात कर रही थी, बाबू नीचे देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं है घर पे, वो घूमने गए अपने मायके मतलब ईद के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं अभी, गाड़ी के उधर आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का, तो हम लोग घर पे आ रहे हैं घूम के। और ये मैं आप लोग को दिखा रही थी, देख सकते हैं आप, ये बारिश की वजह से मतलब पूरा 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 ज़मीन पानी पानी गीला गीला हो चुका है, और अभी तो धान का बिजाई होगी,
चावल का विजय होगी और बाद में तो लंबा लंबा हरा हरा सुंदर सुंदर चावल आएगा। और मेरे मुंह देख सकते आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी क्योंकि मैं बाबू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि अगर आप लोग ही सोचिए, अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा तो माँ के दिल में क्या गुजरेगा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। और बाबू इधर उधर देख, मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूँ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों कॉल नहीं किया। और मैं आप लोगों को बोलना भूल गई थी, मतलब उनका नंबर मेरे पास था, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, बाबू जब छोटा था तो हम लोगों के पास नंबर था, तो कॉल नहीं किया। वही मैं मतलब सोच रही थी, अगर कॉल करती तो बीमार बच्चा लेके उसको इधर उधर घूमना आए तो उसको इलाज के लिए, और अगर कॉल कर ले तो अच्छा होता ना, तो दूसरे दिन आते, तो दूसरे दिन हम लोग कॉल करके ही जाएंगे। ये गलती कर लिया, फ़ोन नंबर था, पता नहीं हड़बड़ी में क्या चले गए, तो कुछ नहीं क्या कर सकते। तो आप लोग देख सकते हैं, बाबू के साथ मैं खेल रही हूँ और मैं दिखा रही थी कि ना ये सब्जी बाज़ार पे अभी बंद होने वाला है, लॉकडाउन 4 बजे 5 मिनट में, तो और इधर सब्जी मच्छी सब ये मतलब था। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, पर मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि ना हम लोग जिस काम के लिए गए थे, मैं बाबू को बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बाबू खाना नहीं खा पाता है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो मतलब जहाँ पे गए थे ना, जो नजर पड़वा के देते वो हमें मिले ही नहीं, तो बेकार जाना हुआ। बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि बाबू के इलाज के लिए, अगर मेरा इलाज होता तो मैं तो डॉक्टर गई ही नहीं उस दिन, डॉक्टर नहीं मिले, पर उसके बाद मैं डॉक्टर दिखाने गई ही नहीं। बाबू के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मिले ही नहीं है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बाद में हो सके तो कुछ होगा तो दिखाएंगे। दोस्तों मिलते हैं।